गाइस देखिए, मैं घर से निकल गई थी डॉक्टर के जाने के लिए, और आज अर्ष के डैडी के साथ नहीं जा रही, मैं आज जा रही हूँ देखिए समीना के साथ। आज मैं समीना के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अर्ष के डैडी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए उनके साथ नहीं जा रही। अब देखिए अभी लंबा रास्ता है, ये है देखिए यहाँ का साईं मंदिर ही तो ही जैन मंदिर है, और ये कंपनी वाक की रोड है। तो बस अभी हमें यहाँ से एक ऑटो और चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम आगे दिखाते हैं। और आगे आज व्लॉग मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सारा दिन हो गया आज, कोई व्लॉग नहीं बना पाई। अस्सलामुअलैकुम माई ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइज उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। गाइज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस देखिए 15 अगस्त की वजह से कितनी प्यारी लाइटिंग है यहाँ पर, देखिए आगे तक लाइट लग रही ग्रीन। और मौसम देखिए आज भी बारिश आने के लिए तैयार है बिल्कुल। ये बैठी है समीना, हम डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच गए थे और आज पेशेंट कुछ ज़्यादा ही थे, इसलिए हमें वेट करना पड़ रहा है बैठकर। अभी हमारा नंबर कुछ देर में ही आएगा। देखिए गाइस डॉक्टर को दिखा लिया हमने, और हमारे डॉक्टर हैं इधर। अभी मैं आपको सही से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बस मेरा जो ट्रीटमेंट है ना, मैं सही हो जाऊँ तो डॉक्टर भी कह रहा है अभी मत बताना आप पहले सही हो जाएं, उसके बाद आप अपने व्लॉग में बता देना मेरा। तो गाइस देखिए समीना और मैं यहाँ डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, 5 बजे से हम डॉक्टर के बैठे हैं। आज पेशेंट बहुत ज़्यादा थे तो हम 9 बज गए हैं, और अभी हमें यहाँ से 1 घंटा घर पहुँचने में लगेगा, 9 बज रहे हैं। तो गाइस देखिए इतनी रात भी हो गई है, देखिए आप 6 बजे दिन में आए थे, अब हम 1 घंटा घर पहुंचने में लगेगा, हमें 10 बज जाएंगे। चलिए यहाँ के डॉक्टर ने देख लिया। देखिए यहाँ रोड पर कितना ट्रैफिक है, और आज तो गाइस में बैठे बैठे थक गई, और समीना बिचारी एक फ़ोन पे आ गई मेरे, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। आज की डैडी की तबीयत ख़राब है ना, वरना वो आ जाते, उनके भी बेचारों को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही, तो इसलिए वो भी नहीं आ पाए। अब मैंने अर्श को छोड़ा है अम्मी के घर, फिर मैं अम्मी के घर से अर्श को लेके घर जाऊँगा। ऑटो मिल गई है हमें, यहाँ से ऑटो से जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम अम्मी के घर जा रहे थे, और
डॉक्टर के यहाँ से निकल चुके हैं हम, और यहाँ का जो ये रोड है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन, और यहाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी है रोड पर। तो जब भी मैं इस रोड से निकलते हैं हम डॉक्टर के जाते हैं, तो मैं यहाँ की क्लिप ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीन ग्रीन, और एकदम लाइटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ। और आज वो वाले पेड़ जो है ना लाइट वाले, उनकी लाइट नहीं जल रही थी, वरना वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। पूरे ट्री हैं गाइस लाइटों के, आपने शायद मेरे व्लॉग में देखे भी होंगे, आज नहीं थे वो। तो देखिए गाइस वो पेड़ आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको लाइटों के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वो। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि वो पेड़ नहीं है, लेकिन ये पेड़ कई जगह हैं यहाँ रोड पर, और दो दो तीन और हैं, लेकिन वहाँ लाइटें नहीं जल रही थी, लेकिन इस वाले ट्री पर जल रही थी। देखिए एक और है ये लाइटों के ट्री, कितने प्यारे लग रहा है ना, ये फुल कैप्चर नहीं हो पाए, वरना बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं डॉक्टर के यहाँ से अम्मी के आ गई थी, क्योंकि अर्श को मैं यहाँ छोड़ कर गई थी और समीना अपने घर चली गई, और मैं यहाँ पर बस थोड़ी देर में मैं भी जा रही हूँ घर। अम्मी बैठी हुई हैं, आज देखिए गाइस कितनी सुमसाम हो रही है ना अम्मी, आई सुमसाम हो रही ना, आई सुमसाम। हाँ बेटा ऊपर है सब बैठी, अच्छा अमान जी बैठा, आप भी बैठी हैं यहाँ, कल इस टाइम इतनी रौनक हो रही थी। देखिए गाइस अर्श की हो रही है सर में तेल मालिश, और कर रही है इनकी खाला, हाँ नींद आने लगी बेचारे की, मैं करती नहीं हूँ ना, नहीं करती, ये करवाता नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये कैसे बैठी है, ये तेरे कहने से बैठी है, मुंह बना रहा है वो। देखिए गाइस इनकी नूर आंटी इनके कर रही है चंपी, पहले नूर ने करी है रब्बान के चंपी, देखो रब्बान, रब्बान दिखाना, अरे वाह रब्बान कितना अच्छा लग रहा है, सीधा बच्चा पुराने जमाने का, ले लू मैं यही, रब्बान कितना अच्छा लग रहा है, सीधा बच्चा पुराने जमाने का। और अब चल रही है अर्श की जंपी, आज कल फिर नहाएगा कल, क्योंकि आगे पीछे कल है गाइस भारत बंद, और इस वजह अब नंबर आया शबान का भी, जमीन बैठ के अपनी मम्मी से तेल लगवा रहे हैं, ऑयलिंग करा रहे हैं। शबान आप कुछ कहना चाहते, कैसा लग रहा है आपको ऑयल लगाते हुए, कैसा लग रहा है, दे 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 घर पे खा लिए बेटा जाके, आई दे दो दे दो दे दो, आंटी दोबारा करिए चंपी, दोबारा कर दो। देखिए गाइस ये बैठे हैं ऑयलिंग करा के बच्चे, इनकी मम्मी ने आज सबको पकड़ पकड़ के सबकी ऑयलिंग कर दी। तो रब्बान आपको कैसा लगा ऑयलिंग करा के, बहुत अच्छा, आराम मिला, बहुत अच्छा लग रहा होगा, सुकून है। अच्छा बताओ कल आज भाई की पार्टी कैसी बनाया, अब गाइस आपको पता है अब हमारे रब्बान की बर्थडे आ रही है सितंबर में, कौन सी सितंबर को होगी तुम्हारी, 25 को, 25 सितंबर को है अब रब्बान की बर्थडे, तो इंशाल्लाह बढ़िया करके रब्बान की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये गट्टू आया ना, गट्टू तुम्हारी बर्थडे कब होती है, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को अभी, ये 2025 में होगी इनकी बर्थडे है ना, इनकी बर्थडे होगी 2025 में, और रब्बान की नेक्स्ट मंथ है। आज जो रब्बान जो है ना गाइस हमारे अर्श से पूरा 3 साल छोटा, 3 साल 1 महीने छोटा है ना, आज से पूरा 3 साल 1 महीने छोटा रब्बान। तो नेक्स्ट मंथ हमारे रब्बान की बर्थडे है, आप सब सारे व्लॉग वॉच करना इंशाल्लाह, हम आपको रब्बान की बर्थडे का भी पार्टी दिखाएंगे बढ़िया वाली। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, देर बहुत हो गई है। तो गाइस देखिए आज हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मैं डॉक्टर के गई थी, आपने व्लॉग में देखा ही होगा, डॉक्टर के यहाँ बहुत टाइम लग गया, कल इंजेक्शन भी लगना था वो भी मेरे नहीं लग पाया, क्योंकि हम लेट बहुत हो गए थे, तो फिर अब 2 हफ्ते के बाद लगाएंगे डॉक्टर इंजेक्शन होंगे। तो देखिए गाइस आज मैंने बना रहे हैं ये शामी कबाब, देखिए तो मैंने शामी कबाब का ये सब पीस के रख दिया, अभी प्याज व्याज नहीं मिलाई क्योंकि अजान हो गई है असर की और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और देखिए अर्श के लिए बनाया था थोड़ा सा पनीर, क्योंकि अर्श कबाब नहीं खाता है,
और गाइज आपको एक बात बताऊँगी, अर्श के डैडी की तबीयत ख़राब है ना, वो गए हैं डॉक्टर के, तो ये सब पकाने का सामान भी मैं खुद ही लेकर आई थी। दाल भी लाई और सब सारा सामान ला के, अर्श का पनीर लाई, सारा सामान खुद ही लाई, क्योंकि हमें कुछ भी ला के देने वाला कोई नहीं है, वही उनकी तबीयत ठीक है होती है तो वही ला देती हैं। ये लेटा है अर्श हमारा, अर्श ने खाना खा लिया है, अर्श थोड़ी देर सोएगा और मैं जा रही हूँ गाइस असर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जब तक वो डॉक्टर के यहाँ से नहीं आ जाएंगे तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। और पता है गाइस मुझे, गाइस देखिए अब सारे काम भी हो गए और मैं थक भी बहुत गई हूँ, आज फिर मेरा बीपी हाई हो रहा है और टैबलेट इसलिए नहीं ली मैंने कि अभी खाना भी नहीं खाया था, सुबह बस पापे और चाय खाए थे, तो बस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं टैबलेट लेके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट का भी इस टाइम नहीं है, आसान हो जाएगी, मगर कि आज बहुत लेट हो गया खाना। तो देखिए आज हमने खाने में क्या बनाया है, देखिए गाइस आज खाने में मैंने बनाया शामी कबाब और छोले वही वाले हैं जो उस दिन मैं आज के बर्थडे में वो रखे हैं, तो उसको भी फेंकना नहीं है, खाना ही है, तो उसमें थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो गई थी इसलिए अर्श भी नहीं खा रहा है, थोड़ी थोड़ी मैं ही खा रही हूँ उसे। तो देखिए हमारे शामी कबाब कितने टेस्टी लग रहे हैं, आइए आप भी खाना खाएं। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। गाइस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।